खा रहे हो? सर चाइनीज बेल। इधर शूटिंग करते करते मैं थक गया, तुम चाइनीज बेल खा रहे हो? कभी इधर भी दिया करो, हमेशा कैमरा के पीछे क्यों खाते रहते हो? खते ही भुक्कड़ है मेरा कैमरामैन, पता है आपको? लो कुछ तो दिया फाइनली। थैंक यू। चलो थोड़ा शक्ति आ गई है गाइस, कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ा पी लेते हैं। थम्स अप की मार्केटिंग नहीं कर रहे बाय द वे, थम्स अप को मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं ना, एक लॉगिन स्क्रीन बनाते कैसे हैं, एक नेटफ्लिक्स जैसा मैं लॉगिन स्क्रीन बनाने वाला हूँ, जो मैं आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन है, फिर उसके बाद एक लॉगिन स्क्रीन है, फिर उसके बाद एक साइन अप स्क्रीन है। तो मैं एग्जैक्ट ऐसा नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसके जैसा मैं बनाऊंगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहला रिक्वायरमेंट आप समझ लो, नेटफ्लिक्स का लोगो है हमारे पास, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो आपको स्टेप दिख रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है कि आप एक एक्टिविटी बनाओ विद द नेम ऑफ लॉगिन एक्टिविटी। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ मेरे फाइल में, न्यू एक्टिविटी एमटीपी एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन एक्टिविटी नाम का एक फाइल क्रिएट कर लिया हूँ, फिनिश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने एक्टिविटी मतलब क्या होता है स्क्रीन, जितने बार भी आप एक्टिविटी बनाओगे उसके दो फाइल क्रिएट होंगे, एक एक्सएमएल फाइल एक जावा फाइल। अगर आप कॉटलिन में कोडिंग कर रहे हैं तो एक एक्सएमएल फाइल होगा एक जावा फाइल होगा, बट उसके अंदर कॉटलिन की कोडिंग लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सएमएल फाइल में जैसे भी मैंने आपको बताया था एक्सएमएल फाइल में डिजाइनिंग होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे एक सिंपल सा जो आपको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, मैं ये वाला डिजाइन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये वेलकम टू नेटफ्लिक्स ये मैं नहीं डालने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक नेटफ्लिक्स जैसे आपको दिख रहा है साइन अप वाला, कि मैं एक लोगो डालूंगा नेटफ्लिक्स का फिर साइन अप डालूंगा। तो नेटफ्लिक्स का लोगो पहले डाउनलोड कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स लोगो। चलो ये हमारा नेटफ्लिक्स का लोगो है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, नेट लोगो। ओके, तो ये मेरा लोगो सेव हो गया है, जेपीजी फॉर्मेट में है। ये लोगो को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हो मेरा लोगो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब दूसरी चीज, सबसे पहले लोगो तो मैंने डाल दिया, चलो लोगो आ गया, फिर टाइटल आ गया, टेक्स्ट व्यू आ गया, फिर आपका टेक्स्ट फील्ड आ गया, फिर आपका बटन आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके जो बैकग्राउंड कलर है, मैं एक सिंपल लेआउट यूज करता हूँ जिसको मैं बोलूंगा लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट में आप देख सकते हैं, ये इसको पकड़ता हूँ मैं लॉगिन स्क्रीन बनाने के लिए। लीनियर लेआउट में आप देख सकते हैं इमेज है, फिर टेक्स्ट है, फिर एडिट टेक्स्ट है, सब एक के नीचे एक है। तो लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन में क्या डालूंगा, वर्टिकल डालूंगा, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट के बारे में बताया था। ओरिएंटेशन मैंने डाल दिया, अब इसको मैं बैकग्राउंड को क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि आपका जो लेआउट है पीछे का आप देख सकते हो पूरा ब्लैक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेआउट को मैं ब्लैक कर दूंगा, कलर ब्लैक। देखो हो गया मेरा लेआउट ब्लैक। अब इसमें नेटफ्लिक्स का लोगो डालने में मजा आएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक विजेट्स यूज करूंगा लेआउट के अंदर, और वो विजेट्स का नाम रहेगा इमेज व्यू। इमेज व्यू को मैं एक साइज दे देता हूँ 150 dpi। आप किसी भी इमेज को एक फिक्स साइज दे सकते हैं, 150 dpi/150 दे दिया। अब इसमें मैं एक लोगो डाल देता हूँ। लोगो डालने के लिए आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि आपने लोगो कहाँ पे स्टोर किया है। तो यहाँ पे मैंने लोगो नेटफ्लिक्स नेट लोगो करके ड्रॉएबल में स्टोर किया हूँ। तो आपको दिख सकता है मेरा लोगो दिख रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सेंटर में ले लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लेआउट ग्रेविटी यूज करके मैं इसको सेंटर में ला दूंगा। ये मेरा सेंटर में आ गया नेटफ्लिक्स का लोगो। दूसरी चीज, ये तो नेटफ्लिक्स का लोगो हो गया, अभी मुझे एक एडिट टेक्स्ट बनाना है। तो मैं क्या करूँ, एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट में मैंने मैच पैरेंट दे दिया, रैप कंटेंट दे दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया। हिंट में मैं दे देता हूँ ईमेल आईडी, और उसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ।
पैडिंग दे दिया मैंने 10 dp, 10 नहीं एक काम करता हूँ मैं 15 dp दे देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या बोलते हैं आपका ड्राइबल नहीं, मैं आपके एडिट टेक्स्ट को एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड दे दिया, और बैकग्राउंड में कौन सा बैकग्राउंड जो याद है मैंने एडिट टेक्स्ट और बटन के लिए बैकग्राउंड बनाया था, तो इसके अंदर एक मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे मैं एडिट बैकग्राउंड करके यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये मैंने एक एडिट बैकग्राउंड बनाया। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे एडिट बैकग्राउंड जो है ना वो मुझे, ये आपका डिज़ाइन है बरोबर, अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे मुझे कुछ एडिट बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत है क्या? तो मैं क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड यहाँ से हटा दूंगा, ओके मैं नॉर्मल रखूँगा, बट यहाँ पे मुझे हिंट में ईमेल आईडी दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा टेक्स्ट के कलर के हिंट को मैं ग्रे कर दूंगा या फिर मैं वाइट कर दूंगा, दिख रहा है आपको नॉर्मल सिंपल फंडा। अब मैं एडिट टेक्स्ट को क्या करूंगा, मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन 10 dp। तो 10 dp क्या करेगा, टॉप से लेफ्ट से राइट से बॉटम से हर जगह से 10 dp का मार्जिन ले लेगा, सही दिख रहा है अभी ये। अभी मुझे इसी को एक काम करता हूँ, मैं एक और एडिट टेक्स्ट बना देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ ये रहा मेरा पासवर्ड, ओके ये मेरा दो एडिट टेक्स्ट हो गया, एक लोगो, दो एडिट टेक्स्ट, ईमेल आईडी, पासवर्ड। अब इसमें मैं एक बटन डाल देता हूँ रेड कलर का, तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बटन में राउंडेड कॉर्नर कैसे देते हैं, तो मैंने ऐप कॉम्पैक्ट बटन ले लिया हूँ, मैच पैरेंट रैप कंटेंट कर दिया हूँ, मार्जिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 dp का, तो ये क्या करेगा हर जगह से स्पेस ले लेगा। और इसमें मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, कौन सा बैकग्राउंड याद है, ड्रॉएबल रेड बटन बैकग्राउंड, आप देख सकते हो मेरा रेड बटन बैकग्राउंड। फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा लेट्स सपोज लॉगिन, ओके और टेक्स्ट का कलर मैं दे देता हूँ, टेक्स्ट कलर हमारा हो गया @color वाइट, और टेक्स्ट का साइज मैं बढ़ा देता हूँ 15 sp, ये मेरा टेक्स्ट का साइज बन गया। तो आप देख सकते हो ऊपर नेटफ्लिक्स का लोगो, नीचे ये, फिर यहाँ पे आपका सिंपल फंडा। अब ये तो मैंने एक चीज बता दी, अब दूसरा चीज क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एकदम नीचे बॉटम में या फिर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे दूंगा डोंट हैव एन अकाउंट क्रिएट न्यू, ऐसा मैं एक ऑप्शन दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए एक टेक्स्ट व्यू यूज करूंगा, टेक्स्ट व्यू, मैच पैरेंट, रैप कंटेंट, और यहां पे मैं टेक्स्ट में लिख देता हूं टेक्स्ट एट्रीब्यूट में मैंने लिख दिया डोंट हैव अकाउंट, ऐसा मैंने एक नॉर्मल सा टेक्स्ट डाल दिया। और इसको मैं टेक्स्ट के कलर को वो कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर मैंने वाइट दे दिया, और इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 10 dp, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डोंट हैव अकाउंट के बाजू में ही एक और बटन चाहिए क्रिएट न्यू, तो मैं क्या करूँगा सिंपल फंडा है, मैं एक लीनियर लेआउट लूंगा और उसके अंदर मैं दो टेक्स्ट व्यू डाल दूंगा, और वो क्या रहेगा हॉरिजॉन्टली रहेगा, कैसा रहेगा वो हॉरिजॉन्टली, तो कैसे करते वो मैं बता देता हूं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप लेआउट के अंदर लेआउट नहीं ले सकते, आप डेफिनेटली ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट ले ले रहा हूँ, और इसको मैं विथ मैच पैरेंट हाइट ग्रैप कंटेंट, और यहाँ का ओरिएंटेशन में दे दिया है इसको हॉरिजॉन्टल चाहिए मुझे। फिर यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ, देख सकते हो मैंने टेक्स्ट व्यू डाल दिया है। अब इसी के नीचे मैं एक और टेक्स्ट व्यू डालूंगा, लेट्स सपोज मैं यही टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ, बट इसका जो टेक्स्ट का कलर रहेगा ये मैं कर दूंगा रेड में, अभी रेड कलर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं हेक्सा कलर यूज कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, यहां से रेड कलर यूज कर लेता हूं, रेड कलर अपने को दिख रहा है क्या, ये मैंने मैच पैरेंट, ये रैप कंटेंट, तो एक काम करता हूं मैं ये टेक्स्ट व्यू को भी रैप कंटेंट कर दिया हूं, अब दिख रहा है मुझे डोंट हैव अकाउंट, और इसको मैं कर देता हूं क्रिएट न्यू, ओके। अब दूसरा फंडा है मुझे इसको टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा,
तो अगर इसके टेक्स्ट को साइज को मैं 17 SP कर देता हूँ और इसके टेक्स्ट के साइज को मैं 15 SP कर देता हूँ। लेट्स सी कितने चेंजेस दिख रहे हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको दो चीज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो विड्थ दिया इसको भी रैप कंटेंट कर देता हूँ। अब ये लेआउट ग्रेविटी है, तो मैं लेआउट ग्रेविटी को एक काम कर देता हूँ कि लेआउट ग्रेविटी में सेंटर डाल दिया और इसको मैं मिच को रैप कंटेंट कर दिया। देखो कितना प्यारा सेंटर में आ गया। अब इसको तो मुझे मार्जिन चाहिए नहीं लेफ्ट साइड से, तो मैं क्या करूंगा, इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा, मार्जिन बॉटम दे दूंगा 10 dp, मार्जिन एंड दे दूंगा 10 dp, मार्जिन लेफ्ट नहीं दूंगा इस केस में। और यहाँ पे भी सेम चीज, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं सेम चीज डालूंगा। ओके, ये मेरा एक सिंपल सा लॉगिन स्क्रीन डिजाइन हो गया है, बरोबर। अब एक आई नो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड होने वाली है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कैमरामैन भी थोड़े से बोर जैसे लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो कभी कोडिंग किया नहीं है, तो हमें तो कोडिंग सिखाना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा लॉगिन स्क्रीन मैं बनाया हूँ, एग्जैक्ट इसके जैसा नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा लुक एंड फील उसके जैसा ही है हमारा। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसमें मैं बताता हूँ। ये आपका जो एडिट बैकग्राउंड है ना, इसको मैं एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर का एडिट बैकग्राउंड बनाता हूँ, तब देखिए कितना प्यारा और सुंदर लगेगा। ये एक ड्राइबल रिसोर्स सोर्स बना लेता हूँ, ब्लैक बॉर्डर एडिट bg, बरोबर। अब इसका कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हूँ एडिट टेक्स्ट एडिट बैकग्राउंड के लिए, तो एक काम करता हूँ मैं यही कोड को यहाँ पे लेता हूँ और बॉर्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे सॉलिड कलर तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो इसको मैं ट्रांसपेरेंट रख देता हूँ। और मुझे स्ट्रोक का कलर क्या चाहिए मालूम है, वो मुझे ब्लैक चाहिए, तो ये देखो ब्लैक रख सकते हैं या फिर इसको मैं व्हाइट करने का ट्राई करता हूँ, तो ये व्हाइट दिख रहा है। लॉगिन में चले जाते हैं। अब ये आपका जो एडिट टेक्स्ट है ना, यहाँ पे मैं अभी बैकग्राउंड डाल के देखता हूँ, देखिए क्या कमाल दिखेगा आपका डिज़ाइन। यहाँ पे मैं एडिट बैकग्राउंड डाल दिया, एडिट बैकग्राउंड में तो बड़ा अजीब दिख रहा है, तो कौन सा हमने बनाया था अभी, ब्लैक बॉर्डर, ब्लैक बॉर्डर एडिट बैकग्राउंड, देखिए कितना सही लग रहा है। अभी इसी बैकग्राउंड को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी डाल दूंगा सेम चीज़, बरूबर। अब इसका जो कॉर्नर रेडियस है ना, मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा। ये जो 15 dp दिख रहा है ना, मेरे हिसाब से 10 dp ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है, दो एडिट टेक्स्ट एकदम नेटफ्लिक्स जैसा है। बट अभी ये जो दिख रहा है आपको क्रिएट न्यू, इसका टेक्स्ट का साइज तो मैंने बढ़ा दिया हूँ, इसको मैं टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देता हूँ। नेटफ्लिक्स का जो लोगो है उसको एक काम करता हूँ, मैं कोई दूसरा लोगो डाउनलोड करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है दोस्तों। नेटफ्लिक्स का लोगो ऐसा कोई लोगो देखते हैं जो ज़्यादा स्पेस ना ले, उससे क्या होगा ना, उससे हमारा चीज़ें और अच्छी बन जाएगी। रुकिए मैं आपके लिए ना मस्त एक लोगो दिखाता, मेरे पास एक और लोगो है, एक बार वो डाल के देखता हूँ वो कैसा दिखता है, जो मैंने लास्ट टाइम डाला था नेटफ्लिक्स लोगो। वाह, ये भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक काम करते हैं, इसी लोगो को हम लोग आगे के डिज़ाइन के लिए यूज़ करने वाले हैं। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, जहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको नेटफ्लिक्स जैसा डिज़ाइन बनाते कैसे लॉगिन का। तो आज के वीडियो में मैंने लॉगिन स्क्रीन बनाना सिखाया, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स जैसा ही रजिस्टर स्क्रीन बनाऊंगा। और उस हम जब एक बार क्या करेंगे ना, हर एक लॉगिन रजिस्टर फॉरगेट पासवर्ड हर एक डिज़ाइन बना लेंगे, फिर हर एक डिज़ाइन को नेविगेट कैसे करते हैं ये हम लोग वीडियो में सीखेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं रजिस्टर स्क्रीन बनाना सिखाऊंगा आपको। तो ये वीडियो, ये जो ट्यूटोरियल है, ये पूरा एक सीरीज है, कृपया इसको बीच में से ना देखें, ट्राई करें कि पूरा एक सीरीज देखने का ट्राई करें। ओके, चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, शब्बा खैर।